कांट नगर पंचायत में एक लेखपाल को भूमि की जांच में झूठी रिपोर्ट देने पर निलंबित कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार और एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी मनवेंद्र सिंह ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी जांच गंभीरता से की जाए। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम की शिकायत के बाद IGRS के प्रकरण की जांच की गई। अवैध कब्जे की इस शिकायत में लेखपाल वाहिद हुसैन ने नगर पंचायत के मोठापट्टी में जांच की गाटा संख्या 266 जो राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज है उसमें कोई अवैध कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट देकर प्रकरण निस्तारित किया। DM ने 8 सितंबर को जाँच ADM प्रशासन गुलाबचंद से करवाई। ADM प्रशासन ने जांच में गाटा संख्या पर सड़क बनाकर कब्जा पाया। इससे स्पष्ट हो गया कि लेखपाल ने झूठी आख्या दी है। हैरत की बात तो यह है कि तहसीलदार ने भी इस आख्या को अग्रसारित कर दिया। एक अन्य मामले में मोठापट्टी के गाटा संख्या 55 को राजस्व अभिलेखों में चक मार्ग है उस पर कब्जा पाया गया। कब्जा हटाने में लेखपाल ने कार्रवाई नहीं की। वहाँ पर कुछ बिल्डर जो थे वो ग्राम पंचायत और नगर की नगरी जमीन को उन्होंने कब्जा किया हुआ था और उसके पे हमने जांच के पहले करवाई गई थी और जांच में ये रिपोर्ट आई थी कि किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं है। वो लोग असंतुष्ट थे, मेरे पास आए तो फिर मैंने AGM से जांच करवाई। तो AGM से जांच करवाने से के बाद ये पता चला कि ये शिकायत सही थी। तो इस पर चूंकि लेखपाल ने सही कार्रवाई नहीं की थी और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जो ग्राम नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहे थे तो उनके इसलिए उसके विरुद्ध उसको निलंबित किया गया है। साथ ही जो कानून को तहसीलदार और SDM तीनों को का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।